जो रस्सी है, जब हम कहीं बांधते हैं तो हम लोग एक गांठ ऐसे लगाते हैं, इसको बोला जाता है हाफ इंच। लेकिन ये क्या है ना, ये टाइट हो जाती है, खुलती नहीं जल्दी, तो हम ऐसे ना बांध करके हम इसको फिगर ऑफ एट में बांधेंगे तो ये आसानी से खुल भी जाएगी। फिगर ऑफ एट के लिए जैसे हम हाफ इंच बांधेंगे तो हम यहीं से इसको निकाल देंगे, लेकिन फिगर ऑफ एट में इसको लगा के हम ऊपर से इसे निकालेंगे। ये अभी आप देख सकते हैं, ये एट का फिगर बन रहा है, इसमें ये फिगर ऑफ एट होता है। अभी हम फिगर ऑफ एट से ही सिंगल लूप बनाना सिखाएंगे। तो रस्सी को हम डबल करते हैं और इसके बाद से ये फिगर ऑफ एट को हम यहाँ से ऊपर से ना डाल के इसके नीचे से ला के इसके नीचे से हम निकाल देंगे। इसे आप देख सकते हैं, ये खुलने में आसानी होती है इसे, और ये गेट का फिगर भी बना रही होगी। और ये आपका बन गया सिंगल लूप। सिंगल लूप का मतलब ये होता है कि ये आपका सिंगल लूप है, अब ये रस्सी इतने फिक्स रहेगी, आप इसको कहीं भी फंसाना हो तो आसानी से फंसा सकते हैं। ठीक है, ये आपने देखा हमने ये सिंगल लूप बनाया। अब ये सिंगल लूप से हम डबल लूप बनाना सीखेंगे। ये आप देख रहे हैं ये फिगर आप एट के शेप में आता है, ये सिंगल लूप है। तो ये वाली जो रस्सी है डबल, ये आप देख रहे होंगे जिधर से ये निकला है, ये रस्सी जिधर से निकली है इसी साइड में ये डबल रस्सी मिलेगी आपको। तो आपको इसको ले आके इसे और ये डबल वाले में डाल के इसे, और आपको इसको खींच देना है इस वाले को। आपने खींच दिया और ये टाइट हो गई रस्सी पूरी, और ये आपका डबल लूप बन गया। इससे क्या है, इसको डबल मजबूती मिल जाती है, आप इसको कहीं भी इसे फंसा सकते हैं। एक चीज ध्यान रहे कि आप कोई भी गांठ लगाते हैं तो लास्ट में जाके आपको एक थम नट और एक हाफ ही जरूर लगाना है। थम नट क्या होता है, जैसे ये रस्सी है बड़ी वाली, तो बड़ी वाली रस्सी के सहारे इसको, ठीक है, इसको इसमें डाल के इसको, ये आपका हो गया थम नट। और उसके बाद से ये वाली रस्सी आप बिना खुले, इसके लिए आपको एक हाफ इंच लगाना है। इसको इसी में ऐसे करके इसके बिल्कुल पास में ऐसे लगा देना है, और भी लगा देंगे हाफ इंच तो और भी अच्छा रहे। देखिए ये बहुत ही अच्छी गांठ है और ये बहुत काम की चीज़ है। जैसे मान लीजिए आप पेड़ पर कहीं चढ़े हुए हैं, आपके पास एक लंबी सी रस्सी है, आप चाहते हैं नीचे उतर जाएं रस्सी के सहारे और नीचे आकर रस्सी खोल मिले, तो आप पेड़ की जो मान लीजिए डाली है, तो आप डाली पे इसको ऐसे डालेंगे, फिर इसको ऐसे डालेंगे दोबारा, और इसको ये इसको मोड़ के और इस साइड में इसको लाना है, और इस वाली बड़ी वाली रस्सी को देख रहे होंगे, ये बड़ी वाली रस्सी है, इसको आपको खींच देना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और लंबा कर लेंगे, इसको आप खींच दिए, आप ये लंबी वाली रस्सी खींच देंगे, जब ये टाइट हो जाएगा तो आपको छोटी वाली रस्सी को नहीं खींचना है। अब आप बड़ी वाली रस्सी के सहारे नीचे उतर सकते हैं, और नीचे आने के बाद यदि आप चाहें तो ये छोटी वाली रस्सी नीचे से, हाँ ये चीज़ ध्यान रहे, ये छोटी वाली रस्सी जो है ये भी आपके ज़मीन से हाथ में आ जानी चाहिए, इतना लंबा आप छोड़ेंगे इसको। तो नीचे आने के बाद आप इसको जब खींचेंगे तो रस्सी आपको खुल जाएगी, इसको आप खींच देंगे, रस्सी आपके हाथ में आ जाएगी। ठीक है।